समस्त देशवासियों को और यहां पर उपस्थित समस्त मीडिया पत्रकार बंधुओं को मेरा प्रणाम। जैसा कि अभी तक हमारे संस्था के महासचिव परमेश जी ने सब कुछ बताया और बहुत कुछ हमारी छोटी वीडियोस के माध्यम से आप के संज्ञान में सारा विषय आया होगा, हमारे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जब ये परिकल्पना दिमाग में आई थी कि कैसा भारत सोचा था उन लोगों ने जिन्होंने हमारी पीढ़ी के लिए अपना जीवन दे दिया। कम से कम वो ये भारत नहीं हो सकता जहां पर एक नए जन्मे हुए बच्चे को शुद्ध दूध ना मिल पाए पीने के लिए। कम से कम ये भारत वो सपनों का भारत नहीं हो सकता जहां पर किसान का क्या हाल है, आप सभी को पता है। कम से कम ये भारत वो भारत नहीं हो सकता उनके सपनों का जहां पर जब व्यक्ति सुबह उठता है और रात को सोता है उसके बीच में जो भी खाता है और जो भी पीता है वो ये गारंटी से नहीं कह सकता कि मैंने आज दिन में ये चीज 100% प्योर खाई है। ऐसा क्यों है? ऐसा होने का कारण सिर्फ ये है कि हमारी मांगे बहुत बढ़ गई हैं। सिर्फ और सिर्फ यही कारण है। जब तक हम अपनी मांगों को नहीं रोकेंगे तब तक जीवन जीने के लिए जो मूलभूत तीन चीजें हैं एक व्यक्ति को जीवित रहने के लिए, भोजन, पानी और हवा, सांस लेने के लिए, ये तीन चीजें तब तक नहीं मिल सकती। बहुत सारे लोगों ने सहयोग किया, समर्थन किया। क्यों किया? उसका एक बड़ा महत्वपूर्ण कारण है। पिछले 70 वर्षों से हम लगातार टैक्स दे रहे हैं और हमारे टैक्स के पैसे से ये देश चलता है। वो टैक्स का पैसा हमने दिया था, हमारे पूर्वजों ने दिया था और हम लगातार दे रहे हैं इसलिए कि भारत तरक्की करे। भारत में आजादी के समय जो गरीबी थी, जो भुखमरी थी, जो बेरोजगारी थी, वो सारी की सारी समस्याएं धीरे धीरे कम हो और बाद में चल के खत्म हो। लेकिन आजादी के 70 वर्षों बाद भी भारत में ये सारी समस्याएं निरंतर बढ़ रही हैं। कोई भी समस्या ऐसी नहीं है जो कम हुई हो। इसका अर्थ यह है कि हर वो देशवासी जो एक छोटी सी चीज खरीदने के लिए टैक्स देता है, हर वो नौकरी पेशा आदमी जो अपनी तनख्वाह में मेहनत करके पूरे महीने में जो कमाता है और उस पर टैक्स देता है, हर वो व्यवसायी जो कि सुबह से लेकर शाम तक रोजगार करता है, कारोबार करता है और टैक्स देता है, उसके पैसे का सदुपयोग नहीं हो रहा है। और उसका मुख्य कारण सिर्फ और सिर्फ अधिक जनसंख्या है। जनसंख्या के विषय में मैं आपको दो तीन चीजें बताना चाहूंगा। जब हम आजाद हुए हमारी जनसंख्या थी 36 करोड़ और आज हमारे देश में कितनी विचित्र स्थिति है कि सरकारी आंकड़ों के हिसाब से 36 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से नीचे जीते हैं। तो 1947 का भारत तो हमने गरीब भारत कर दिया है। अब उसके अलावा हमारे देश में लगातार सरकार दिग्भ्रमित करती रहती है कि हमारा फर्टिलिटी रेट लगातार गिर रहा है। प्लानिंग कमीशन ने 1978 में यह कहा था, उस समय हमारी जो जनसंख्या थी वो करीबन 65.5 करोड़ थी और प्लानिंग उस समय हमारा फर्टिलिटी रेट था 3.3। प्लानिंग कमीशन ने तब कहा था कि अगर इसी रफ्तार से इसी फर्टिलिटी रेट को कायम करते हुए जनसंख्या बढ़ती रही तो 37 साल बाद वो जनसंख्या हमारी दुगनी हो जाएगी, मतलब 127 करोड़ हो जाएगी। और हमारे वो 37 साल पूरे हो चुके हैं।
सरकार कहती है कि हमारा फर्टिलिटी रेट अब 2.3 के आसपास है, तो इसका मतलब पुरानी प्लानिंग कमीशन का वो पुराना सारा आकलन गलत था, या तो इस समय फर्टिलिटी रेट ज्यादा है और नहीं तो प्लानिंग कमीशन का वो आंकड़ा गलत था या सरकार गलत बोल रही है। फर्टिलिटी रेट काउंट कैसे करते हैं, ये बड़ी विचित्र सी चीज है। 15 वर्ष की आयु से लेकर 49 वर्ष की आयु तक के बीच में महिलाएं कितने बच्चे पैदा करती हैं उसका एवरेज निकाल के फर्टिलिटी रेट काउंट होता है। ये पूरे विश्व का पैरामीटर है, सभी देशों में फर्टिलिटी रेट ऐसे ही काउंट होता है। लेकिन हमारे यहां एक विचित्र स्थिति है, सब लोग अधिकतर कहते हैं कि हमारा युवा भारत है, तो युवा भारत है तो इसका मतलब युवा पॉपुलेशन भी है हमारी। सब लोग कहते हैं, सरकारें कहती हैं कि हमारा अब आबादी फर्टिलिटी रेट कम हो रहा है, निरंतर कम होना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे आगे चल के। तो मैं आपको एक चीज बताता हूं कि हमारे यहां कानून है कि 18 साल से कम उम्र का व्यक्ति महिला विवाह नहीं कर सकती। तो 15 से 18 साल कुछ नहीं होता, जो भी होता है वो क्राइम होता है, और उधर 40 साल से 49 साल का जो ब्रैकेट है, क्योंकि हमारी करीबन 80% जनसंख्या 35 वर्ष से कम आयु की है, तो वही लोग 18 वर्ष से लेकर 35 वर्ष के आयु के लोग ही हमारे यहां अधिक हैं, 35 वर्ष से 49 वर्ष के कम हैं। अगर हम 18 वर्ष से और 35 वर्ष के आयु की महिलाओं का फर्टिलिटी रेट देखेंगे तो सरकार को जवाब देना भारी पड़ जाएगा। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण आप एक चीज से और देख सकते हैं। हर वर्ष कुछ आंकड़े सरकार से निकलते हैं, विभिन्न विभागों से, विभिन्न मंत्रालयों से, 0 से 4 वर्ष की आयु के कितने प्रतिशत आबादी है, 5 से 10 वर्ष की आयु की कितनी प्रतिशत आबादी है, 10 से 15, ऐसे ही 5-5 साल के ग्रुप में निकलते हैं। आप जरा पिछले, सरकार कह रही है फर्टिलिटी रेट कम हो रहा है, लेकिन आप जरा पिछले कई वर्षों के वो आंकड़े उठाकर देखिएगा तो आपको पता लगेगा कि 0 से 4 वर्ष की आयु, मतलब पिछले 4 साल में 8.9% लोग, बच्चे, हमारी आबादी जनसंख्या उस आयु की थी, वो घट के 8.6 हो गई है। लेकिन 5 वर्ष से ऊपर के लोगों को जब आप देखेंगे, मतलब पिछले 5 साल से और पहले को, तो वो 0.1% का अंतर है। और अगर 10 साल पीछे चले जाएंगे तो वो अंतर नहीं है, वो बढ़ रही है। सरकार अगर कहती है कि हमारा फर्टिलिटी रेट कम हो रहा है तो हमारी आबादी कैसे बढ़ रही है? आज हम लगभग 134 करोड़ हैं, और कहा जाता है और आंकड़े भी बोलते हैं कि लगभग 85-90 करोड़ की आबादी हमारी वो 35 वर्ष से कम आयु की है। अगर हम सीधी सी भाषा में बात करें, इतने बड़े गणितज्ञ तो हम हैं नहीं, अगर हम आज ये मान लें कि सरकार का कहा हुआ समय, मतलब रिप्लेसमेंट रेट 2.1 फर्टिलिटी रेट, आज ही हम एज्यूम कर लेते हैं कि आज के बाद जितनी भी महिलाएं, बच्चे जितनी भी महिलाओं के द्वारा पैदा होंगे वो सिर्फ 2.1 फर्टिलिटी रेट के हिसाब से होंगे, तब भी अगले 35 वर्षों में, क्योंकि 35 वर्ष से कम आयु हमारी 90 करोड़ है, तो अगले 35 वर्षों में हमारे रिप्लेसमेंट रेट के हिसाब से 90 करोड़ बच्चे तो पैदा होंगे ही, और हमारा मॉर्टिलिटी रेट 80 लाख लोग हर साल मरते हैं लगभग। अगर हम उसे और अधिक भी मान लें, 1 करोड़ भी मान लें, जबकि जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ेंगी और उसी तरह से हमारा एवरेज एज निरंतर बढ़ती चली जाएगी, तो हमारा मॉर्टिलिटी रेट कम होगा। लेकिन अगर आप फिर भी ज्यादा मान लें
तो 35 वर्षों में 35 करोड़ लोग मरेंगे, तो 90 करोड़ में से आप 35 करोड़ निकालेंगे और उसे 134 करोड़ में जोड़ेंगे तो जनसंख्या कितनी होगी 2050 में, यह आपको समझ में आ जाएगा। ये बिल्कुल सिंपल सा गणित है, लेकिन इसे हर समय सिर्फ और सिर्फ सरकारें आंकड़ों का खेल करते हैं, कमीशन पे कमीशन बनाए जाते हैं, कमिटीज बनाई जाती हैं और उन आंकड़ों को से खिलवाड़ होता है, उनके ब्रैकेट्स बनाए जाते हैं अपने हिसाब से। तो हम सब लोगों की ये मांग है, और आज जब हमने इस अभियान की शुरुआत की थी तब हम चंद लोगों ने आपस में विचार आया कि देश के लिए कुछ करना चाहिए। मैंने कहा नहीं, देश के लिए आजकल चिंता किसी को नहीं है। जिन्हें चिंता थी वो 1947 से पहले के लोग थे, और जो जिन्हें चिंता थी जो जीवित हैं 1947 के पहले के लोग वो आज के हाल में हैं, वो भी हमने कुछ वीडियोस बना के और अपने यूट्यूब चैनल पे डाली हुई हैं, आप देख सकते हैं। मैंने कहा मैं तो इस अभियान को करूंगा, मेरे दो बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी, तो मैं तो उनके भविष्य के लिए करूंगा, और मैं इस देश के हर नागरिक से ये अपील करूंगा कि देश की चिंता बाद में करना, पहले अपने बच्चों की चिंता कर लो। छोटे बच्चे के जब खरोंच भी आती है तो मां बाप को बड़ा दुख होता है। आप जितने भी पैसे कमा लीजिए और उनके लिए जोड़ के चले जाइए, उन पैसों का उपयोग वो नहीं कर पाएंगे। जैसी स्थिति इस समय है, जब स्टीफन हॉकिंस जैसे लोग बोलते हों तो कम से कम कुछ ना कुछ समझने की आवश्यकता है। और अगर हम इसी इंतजार में रहे कि फर्टिलिटी रेट अपने आप कम होगा, अगले 50 साल बाद आबादी खुद गिरनी शुरू हो जाएगी, तो इसका मतलब यह है कि हम अगली 10-15 पीढ़ी ही अपनी वो धीरे धीरे निरंतर बर्बाद होने के लिए छोड़ दें और इस चीज की प्रतीक्षा करें कि कब आबादी 134 करोड़ से बढ़कर 200 करोड़ हो और फिर वापस 134 करोड़ पर आए और उसके बाद और गिरनी कम हो। तो ये सरकार को चाहिए, और सरकारें काम नहीं करती हैं, सरकारों से काम कराया जाता है और सरकारों से काम आवाम कराता है। अब ये हमारे देश के आवाम के ऊपर है कि वो कैसा हिंदुस्तान चाहते हैं। मुझे आप लोगों से बस इतना ही कहना था, धन्यवाद।